हेलो फ्रेंड्स, एम अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक स्पाइसी विद अंजलि। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। सो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, कुछ भी स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मैदा। ये आप आटे से भी बना सकते हैं केक। और मैंने लिया है 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। हमने ये वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज किया है, इसलिए हम वनीला सेंस वगैरह का यूज नहीं करेंगे। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इस सारे को अच्छे से सीव करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो सॉफ्ट और फ्लफी बने। अब हमने ये एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेनी है और इसमें मैं स्टैंड को रख रही हूँ। ऊपर से कवर करके हमने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। अब हम लेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। ये मैंने नॉर्मल वाली पाउडर शुगर ली है, इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसको हम अच्छे से एक विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसको हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से फ्लफी बने। अब हमने लिया है ये 1 कप वार्म मिल्क और 1/2 कप मलाई। अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। ये वार्म मिल्क हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा वार्म है ताकि जो हमारा केक है वो सॉफ्ट और स्पंजी बने। और जो ये मलाई है ये मैंने बिल्कुल फ्रेश दूध की मलाई ली है। इसको हम एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो ये हमारा ऑयल और चीनी वाला मिक्सचर था, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध और मलाई वाला मिक्सचर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया अच्छे से। अब हमने ये ली है टूटी फ्रूटी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। इसको हम मैदा के साथ अच्छे से कोटिंग करेंगे। मैदे के साथ कोटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो केक में नीचे बैठ जाती है। कई लोगों की ये कंप्लेंट होती है, बट अगर हम मैदे के साथ इसकी कोटिंग करेंगे तो हमारी टूटी फ्रूटी नीचे नहीं बैठती। ये केक टिन है, ये मैंने पहले से रेडी कर लिया है। इसके मैंने चारों ऑयल स्प्रेड किया है। उसके बाद मैंने मैदे के साथ मैदा डस्ट करके इसकी कोटिंग की है। आप ब्राउन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो ड्राई मिक्सचर था जो हमने रेडी करके रखा था उस पर हम ये हमारा लिक्विड सारा मिक्सचर ऐड करेंगे। ये धीरे धीरे करके ऐड करना है और सॉफ्टली मिक्स करना है। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, ये काफी अच्छा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। इसको भी हम सॉफ्टली मिक्स कर लेंगे। अब मैं ये मिक्सचर को केक टिन में पोर कर रही हूं।
अब हम इसको हल्का हल्का टैप टैप करेंगे। अब हमने जो कढ़ाई प्री हीट के लिए रखी थी, अब उसमें हम केक के टिन को रखेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, उसके बाद हम 30 से 35 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमने इसका लिड बार बार उठाकर केक को बार बार टूथपिक की हेल्प से चेक नहीं करना, इससे जो हमारा केक है वो सेंटर से नीचे बैठ जाता है। ये हमारे 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम केक का लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छे से फूल कर रेडी हो गया है। अब हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देखते हैं। ये देखो केक बिल्कुल भी टूथपिक पे नहीं लगा, ये हमारा केक रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।